आज श्रावण मास 2022 की चौथी सोमवारी श्रद्धालु गंगा तट पर उपस्थित हैं। एक गंगा घाट सुल्तानगंज का गंगा घाट है, जहां से बाबा बैजनाथ धाम के लिए जल लेकर श्रद्धालु आगे बैठते हैं और संभव है आज आखिरी दिवस इनके लिए हो, क्योंकि जो श्रद्धालु आज यहां से जल लेकर आगे बैठेंगे वो 11 तारीख को यदि जल्दीबाजी करेंगे तो जल अर्पित कर पाएंगे, वरना 12 तारीख जो आखिरी दिन है उस दिन ही जल अर्पित कर पाएंगे। तो आज के पश्चात जो श्रद्धालु जल उठाकर पैदल चलेंगे उनको जल्दीबाजी करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा वो पिछड़ जाएंगे। इसलिए माना जाए कि आज जो श्रद्धालु हैं जल उठाकर आगे बढ़ेंगे तो वो सहजता से बाबा को जल अर्पित कर पाएंगे, बाबा बैजनाथ के द्वार पहुँच पाएंगे, देवघर नगरी को पहुँच पाएंगे। तो आज श्रावण मास 2022 कि अंतिम सोमवारी चौथी सोमवारी यह दृश्य हम सभी देख रहे हैं सुल्तानगंज से, जहां श्रद्धालु गंगा तट की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और गंगा स्नान के पश्चात संकल्प करेंगे जल लेकर और उसके पश्चात अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। फिलहाल सभी श्रद्धालु गंगा तट की ओर जा रहे हैं और गंगा तट पर जो दृश्य उपस्थित होगा ओ तो हम सबों ने देख लिया। फिलहाल हम रास्ते में देख रहे हैं कि अभी भी हालांकि श्रावण मास समापन की ओर है, श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। दोपहर का समय तो इतने श्रद्धालु, सुबह का समय तो श्रद्धालुओं से सड़कें भरी ही रही होंगी। तो देख लें दुकानें बिल्कुल ज़रूरत के सामानों को, कांवड़िया के ज़रूरत के जितनी सामग्री है सभी सामग्रियों को उपलब्ध कराने हेतु नए सिरे से लगाए गए हैं। और जैसे ही श्रावण मास का यह कार्यक्रम स्थिर पड़ेगा तो दुकानों के स्वरूप भी बदलेंगे। फिलहाल चारों तरफ गेरुआ कलर बिखरा नज़र आ रहा है। तो यदि वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करेंगे, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी और भी अच्छे अच्छे दृश्य वाले वीडियो आने शेष हैं।